आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कार्तिक मास में तुलसी विवाह की विधि व महत्व। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि बताते हैं। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं या अपनी भक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनाएं, अथवा यह भी ना होने पर उसमें अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से ही बनवाएं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। फिर पुरुष सूक्त से वह षोडश उपचार से पूजा करें। पहले देश काल स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर पुण्यहा वचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों व अलंकारों से सजाए रहें। उसी समय भगवान की पूजा करें, अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूँगा। आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा। आप मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के बाद 3-3 बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान को समर्पित कर दें। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधु पर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली वेला में जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यह प्रार्थना करें, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आविवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें। अगले दिन प्रातःकाल पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा भी पूरी करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी जी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करे और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है।